चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ एन इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ वन ओम कनेक्टेड एज शोन। ठीक है, सबसे पहले बात कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी का। तो अगर मैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं मान लूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का मैं आर इक्विवेलेंट कह दूं, और ये एक चेन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की चेन है, ये एक रेजिस्टेंस की चेन है, ये एक रेजिस्टेंस की चेन है, इस तरह कंटिन्यू कर रही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक चेन अगर हटा दो, क्या रेजिस्टेंस की पूरी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लो या एक बाल्टी पानी निकाल लो, समंदर की जो लेवल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह अगर इसको हटा दिया जाए तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इसको हटा दिया जाए तभी ये आर इक्विवेलेंट ही तो होगा, ये भी करेक्ट है ना, आर इक्विवेलेंट ही होगा। तो अब इसी सर्किट को अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, ए यहां है, बी आपका यहां है, ये आर है, ये भी आर है, और ये आर इक्विवेलेंट है, ये क्यों नहीं चल रहा, आर, हाँ आर इक्विवेलेंट है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली? देखो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है, और ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों की को अगर रिप्लेस किया जाए, ठीक है, ये ए, ये बी, ये आर है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? आर ई सिंगल डैश कह दो, इसको क्या बोलोगे? आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये होगा ना, पैरेलल के केस में अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर ई डैश, और आर ई डैश की वैल्यू कितनी है? आर आर ई अपॉन आर प्लस आर ई, और ये आर इक्विवेलेंट ये भी है, आर ई है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, थोड़ा सा इसको इधर कर दो, आर ई माइनस आर आर ई अपॉन आर प्लस आर ई इजकल टू आर, एलसीएम ले लो, आर प्लस आर ई, ये हो जाएगा आर इंटू आर ई प्लस आर ई का स्क्वायर माइनस आर आर ई इजकल टू आर, आर आर ई से आर आर ई कटा, ये कितना आया, इधर लिखते हैं, आर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर ई इजकल टू आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर ई का स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस आर आर ई, ये हो जाएगा, दोनों को इधर ले आओ, आर ई स्क्वायर माइनस आर आर ई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, तो ठीक है, धाराचार मेथड से x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए लिखते हैं। तो यही चीज यहाँ अप्लाई करनी है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस आर है, और c की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर है। तो अगर मैं अप्लाई कर दूं, ठीक है, धाराचार मेथड, तो क्या हो जाएगा, धाराचार मेथड अप्लाई करूं तो आर ई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आर ई इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ, यहाँ नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या है फिर से देख लेते हैं, धाराचार मेथड से लिख लेते हैं, क्या हो जाता है, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो आर ई इजकल टू बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस आर, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस आर, और सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर रखते हैं, माइनस ऑफ माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन, ये अंडर रूट में पूरा अपॉन टू ए, टू इंटू वन, ये हो जाएगा प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर अपॉन टू आर ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया फाइव आर स्क्वायर,
आर इज इक्वल टू आर प्लस माइनस आर रूट फाइव अपॉन टू, ठीक है। तो ये वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस ले लेते हैं, पॉजिटिव टर्म ले लेते हैं। आर इज इक्वल टू आर प्लस आर रूट फाइव बाई टू, आर कॉमन ले लो, आर बाई टू वन प्लस रूट फाइव, ये आर की वैल्यू आ गई। देखो इसमें से कोई ऑप्शन है क्या, आर बाई टू वन प्लस आर बाई टू, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, वन दी हुई है, रख देते हैं, अभी रखा नहीं ना मैंने वैल्यू, आर की वैल्यू वन ओम, वन बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस रूट फाइव, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई ये वन बाई टू, यही वाला ऑप्शन है, यही वाला है क्योंकि मैंने आर की वैल्यू पुट नहीं की थी क्योंकि ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।